لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نحمده ونسلي على رسوله الكريم فعما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته अलहमदिल्ला जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारी हज सीरीज़ माशाल्लाह स्टार्ट हो भी चुकी है उसका आगाज़ हो गया है और आज जो है उस सीरीज़ की क्लास नंबर टू है जी तो आज के दो सवाल हैं वो ये कि पहले हमने इस वाली इससे पहली वाली वीडियो में हमने जाना कि हज क्या है और हज हमें क्यों करना चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि फिर आपको इस वीडियो को सुनने में भी और इस वीडियो को फॉलो करने में भी आसानी भी होगी और मज़ा भी आएगा इन अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है ये सवाल कह लीजिए वो ये है कि हज किन पर फ़र्ज है और कब फर्ज़ है और जो लोग हज नहीं कर सकते या नहीं कर पाते उनके लिए क्या है उनके लिए अल्लाह सुबहान तारा ने कुरान में हदीस में उनके लिए क्या हुक्म दिया है तो इन आइए शुरू करते हैं हज के जो अयाम हैं वो शवाल की पहली से स्टार्ट हो जाते हैं फिर जिल हज़ा की पंद्रह तक यानी तेरह चौदह पंद्रह एयाम तशरीक तक चलते रहते हैं उसी में उम्र आता है उसी में हज आता है उसी में सारे जितने हज के जो रुकन हैं वो सब पूरे करने होते हैं इस महीने में हज होता है इसी वजह से इस महीने का नाम भी हज़ा रखा गया है हज की आसानी इस तरह भी है कि आपके पास पूरा साल होता है और आपको मालूम है कि हज़ा में ही हज किया जाता है तो उसके लिए फिर अपनी प्लानिंग को अपने मामला को दुरुस्त करें ताकि आप जो है वो हज कर सकें क्योंकि हज जो है हर साहिब लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है जैसे कि अल्लाह अला साल ने सूर्य इमरान में फ़रमाया है कि लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस इसके घर तक पहुँचे और इस्तात के साथ अगर इस्तात रखता हो तो हज अदा करे ये इबादत मुसलमान के ऊपर ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ की गई है बाक़ी आप करें तो वो नफली इबादत होती है और इस आयत का मकसद ये है कि वो साहिब इसतात हो अब मैं आपको इस खत की पूरी डिटेल बताती हूँ कि जिसका सवाल ये बनता है कि किन किन लोगों के ऊपर हज है हज जो है वो फ़र्ज है जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ है उनके अंदर ये पाँच शराइ देखी जाएंगी इसके सबसे पहले वो मुसलमान हो गैर मुस्लिमों के ऊपर हज फर्ज नहीं है ना ही इनके लिए कोई भी हज का जो आ, जो जितने भी रुकन होते हैं वो उनको करना जायज़ नहीं है दूसरा ये दूसरी शर्त यह है कि आक़िल हो पागल मजनू ना हो क्योंकि पागल और मजनून के ऊपर हज फर्ज़ नहीं है तीसरी शर्त है कि बालग हो नाबालिग बच्चे के ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ नहीं है चौथी शर्त यह है कि आज़ाद हो गुलाम या बंदी पर हज फ़र्ज़ नहीं है और पाँचवीं और आख़िरी शर्त है कि साहिब इस्तात हो साहिब इस्तात का मतलब ये है कि जिस्मानी और माली तौर पर वो खाने काबा जाने का अहल हो उसके पास इतना माल होना चाहिए के जो रास्ते में उसके ऊपर जितने भी मामलात होंगे उसके लिए उसके पास माल होना चाहिए पीछे जो अगर वो अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है और जितनी देर तक वो उसमें गैर हाजिर रहेगा यानी अपनी फैमिली को छोड़ के रखेगा उनको उनके खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम करके जाए उनको माल मतः दे के जाए और वहाँ जाकर जो रिहाइश के एतबार से जो रहने के एतबार से जो उसके ऊपर ख़र्चे आते हैं उन सब की जो है वो इस्तात रखता हो तब उसके ऊपर हज फर्ज है अब ये तो मर्दों के लिए हो गया औरतों के लिए इसके अंदर एक छोटी सी अल्लाह ताला ने और सहूलत दी है कि औरत के ऊपर हज जब फ़र्ज़ होगा कि जब उसके पास जितनी मैंने अभी शरात बताई है वो होती हूँ उसके पास और एक और इसमें एक शर्त ये है कि महरम के साथ जाए क्योंकि अल्लाह के नबी सल वसम की, की वाज हदीस है कि अगर जो औरत आखरत पर यकीन रखती होगी तो उसके लिए बेहतर नहीं है कि वो तीन दिन और तीन रातें बग़ैर महरम के सफ़र करे तो सफ़र में क्योंकि तो तीन दिन तीन रातों से ज़्यादा होता है सफ़र तो इस हालत में औरत के पास अपनी भी इस्तात हो यानी अपने पास भी उसका पैसा हो और जो महरम उसके साथ जाएगा उसकी भी इस्तात रखता रखती हो वो यानी फ़र्ज़ करें कि एक औरत है और उसके पास जो है वो आ, महरम जो है रिश्ता उसमें जो भाई है लेकिन वो भाई गरीब है अब नहीं जा सकता तो ये औरत भी नहीं जा सकती जब तक से महरम का इंतज़ाम नहीं होगा अगर ये सारे मामला को जमा करने से पहले पहले औरत मर गई लेकिन उसकी नीयत थी इन सब शराइ को पूरा करने की तो फिर इन शाला रोज़ मश उसकी पकड़ नहीं होगी क्योंकि महरम का इंतज़ाम करना ज़रूरी है बग़ैर महरम के औरत सफ़र नहीं कर सकती याद रखिए इस चीज़ को देखिए ना हम जिस आ, हस्ती को मनाने जा रहे हैं हम आ, जिसके अहकाम पर अमल करने जा रहे हैं अल्लाह सुबहाना ताली वही फरमा रहा है कि औरत जो है बगैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती फिर हम कैसे नाराज़ करके और जो है वो उसके बारगाह में जाके फिर तौबा करें क्योंकि देखें ये कोई सैर तफरी या ख़रीदो फरोख या तजारत का कोई मामला नहीं है ये हज है हम सबको पता है कि हज इस्लामी इबादत का एक अहम रुकून है और ये सबसे बड़ी बात अल्लाह के लिए इश्क और मोहब्बत का अमली नमूना है तो हम उसको नाराज़ करके हम कैसे उसके पास फिर जा सकते हैं तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिए सुन्नत तरीके से मोहब्बत और शौक़ से हज करें इसकी वजह से आपके कारोबार में आपके मान में बरकत होगी हज फ़र्ज़ होने के बाद ताखिर ना करें ताखिर करना बहुत गुना है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि मतलब उनको मैंने देखा भी है कि माली अतबार से बहुत स्ट्रॉग होते हैं लेकिन बस उनको शैतान का एक बहुत बड़ा बहकावा आ, उस पर वो चल पड़ते हैं उसको बहकाता कहता है शैतान कि मैं तो भी बहुत गुनागार हूँ मैं तो अभी हज़ नहीं कर सकता मैं अपने इतने गुनागार जिसम को लेकर अल्लाह के सामने कैसे पेश हूँ मेरे मेरे साथ कितनी ख़ातीन ऐसी हैं जो अमूमन इस मौजू पर बात करती हैं और वो कहती हैं कि अभी हम इस काबिल नहीं हालांकि उनके पास इस्तात है हर चीज़ की लेकिन वो कहती हैं हम गुनागार बहुत हैं तो मैं उनको समझाती हूँ तो अल्लाह सुबह तैाली गुनागार बंदों को तो अपने पास बुला के पाक करना चाहता है ना हदीस के अल्फाज क्या हैं जिसने नेक नकनीति के साथ हज किया तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हुआ जैसे उसने गुनाह कभी किए नहीं थे या फिर वो अभी पैदा हुआ है तो अल्लाह सुबहान ताली हमें मौका दे रहा है और हदीस के अल्फाज भी ये मिलते हैं कि जो शख़्स इस्तात रखते हुए भी अगर वो आ, हज नहीं करता फिर वो चाहे ईसाई मरे या नसरानी मरे उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं देखिए ना शरीयत में कितनी आसानी है कि मालदार इंसान पर ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा हज फर्ज होता है और उसमें अगर ये चार चीज़ें पाई जाएँ और साथ औरतों और के लिए तो और आसानी है कि जब महरम का इंतज़ाम हो जब जाएगी जब तक से महरम का इंतज़ाम नहीं होगा उस पर गुना नहीं है अब दूसरा सवाल यह है कि जो लोग हज नहीं कर सकते वो क्या करें तो देखें सबसे पहले तो दुआ करें दुआ करें और साथ साथ नीयत बनाएँ और दुआ सुबह शाम करें इन शुभरा ज़रूर सुनेगा और अगर फ़र्ज़ करें कि आपके अभी अब किसी भी वजह से अभी आपके लिए बेहतर नहीं अल्लाह ने समझा और इस साल आप नहीं जा पा रहे तो जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो रोज़ा भी रखेंगे वो दस दिन का एहतमाम भी करेंगे और उसके साथ कुर्बानी भी करेंगे उनको भी इन ऐसे ही सवाब मिलेगा जैसे हाजियों को मिलता है नाखून और बाल ना काटें तो उनको भी कुर्बानी का जो है वो करने का अजर मिलेगा तो खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह सुबहाना मतला अपने बंदों को सिर्फ़ देता ही देता है वो लेने वाली ज़ात नहीं है हाँ बस अल्लाह सुबहाना तैयार का मामला क्या है कि जो मेरी मान के चलेगा वही उस दुनिया में भी कामयाब होगा और इस दुनिया में भी कामयाब होगा तो जो लोग इस्तात रखते हैं वो हज करने में बिल्कुल देर ना करें क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं अल्लाह के घर जाके क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला ने एक कमल करने की तौफीक ख़तः फरमाए